ये कहानी है एक शेर की जो समय के साथ बूढ़ा हो गया था। उसे अब शिकार करने में दिक्कत होने लगी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था। उससे अब भागा नहीं जाता था। जब वो शिकार के लिए निकलता तो वो तेज से भाग नहीं पाता, जिस वजह से सारे जानवर भाग जाते। एक दिन शेर बहुत भूखा था। उसे भूख लगी थी। उसने सोचा कि जाके किसी तरह शिकार को ढूंढा जाए। जब वो शिकार की खोज में निकला तो उसे थोड़ी दूर पर एक हिरन दिखाई दिया। हिरन को देखते ही शेर की आंखों में चमक आ गई। वो दबे पांव उसे पकड़ने के लिए झाड़ियों की तरफ बढ़ा। वो धीरे धीरे चल रहा था। उसे पता था कि वो रफ्तार से हिरन को नहीं पकड़ पाएगा। अचानक से हिरन ने शेर को देख लिया। वो तेज से दौड़ा। शेर भी अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन थोड़ी दूर भागने पर ही शेर थककर एक तरफ बैठ गया। उससे भागा नहीं जा रहा था। हिरन उसकी बहुत से बहुत दूर जा चुका था। शेर को एहसास हो चुका था कि वो रफ्तार में हिरन को नहीं पकड़ सकता। अब उसकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी कि वो भागकर छलांग मारकर हिरन को या किसी और जानवर को पकड़ सके। अब जब भी शेर शिकार के लिए निकलता तो रफ्तार कम होने की वजह से सारे जानवर उससे दूर भाग जाते। इस वजह से शेर भूखा रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना पेट कैसे भरेगा, और अगर वो इसी तरह भूखा रहा तो एक दिन तो वो मर ही जाएगा। एक दिन शेर नदी के पास पानी पीने गया। जब शेर नदी में पानी पी रहा था तो उसने नदी में एक तैरते हुए सोने की कंगन को देखा। उसने जल्दी से वो कंगन उठा लिया। सोने के कंगन को देख ही शेर की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि वो मनुष्य को लालच देगा, और जैसे ही कोई मनुष्य उसके पास कंगन लेने आएगा वो झट से उसे खा जाएगा। सोने के कंगन को अपने हाथ में लेकर शेर बहुत खुश था। उसे अपने पेट भरने का उपाय मिल चुका था। उसने वो कंगन अपने हाथ में लिया और सड़क के किनारे पेड़ के नीचे जाके लेट गया और ऐसा नाटक करने लगा जैसे कि वो बहुत बीमार है। तभी वहां से एक युवक गुजरा। उसने उसे आवाज लगाई कि बेटा सुनो, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लड़के ने इधर उधर देखा। जब उसने देखा कि उसे शेर बुला रहा है तो वह एकदम से डर गया। वो थरथर कांपने लगा। उसे डरता हुआ देखकर शेर बोला, अरे बच्चे मुझसे क्यों डर रहे हो, मैं तो तुम्हारी मदद ही करना चाहता हूँ। आओ और मुझसे ये सोने का कंगन ले लो, वैसे भी ये सोने का कंगन मेरे किस काम का। लड़का बहुत तेज था और समझदार था। उसे पता था कि शेर उसे पकड़ के खाना चाहता है। उसने कहा, नहीं शेर महाराज, मैं आपके पास नहीं आने वाला, ना ही मैं आपकी बातों में आने वाला। ऐसा कहकर वो लड़का वहाँ से भाग गया और शेर फिर से भूखा रह गया। ऐसे ही बहुत से लोगों को शेर ने अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी शेर की बातों में नहीं आ रहा था। और शेर बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो किसी इंसान को अपना भोजन बनाए। एक दिन वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजरा। बूढ़ा आदमी बहुत थका हुआ था। बूढ़ा आदमी दूर एक पेड़ के नीचे जाके लेट गया। जब शेर ने उस बूढ़े आदमी को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, अरे दोस्त, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने पूरी जिंदगी बहुत बुरे काम किए हैं। जानवरों को पकड़ पकड़ कर मार कर खाया है। मरने से पहले मैं भी कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों को कुछ दान दो। ये देखो, मेरे पास सोने का कंगन है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे तुम्हें दूँ और कुछ पुण्य कमा लूँ। मैं भी तो स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तुम आओ और इसे मुझसे ले लो। वो बूढ़ा व्यक्ति शेर की बातों में आ गया। वो कंगन के लालच में वो शेर के पास जाने लगा। जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति शेर के पास पहुंचा, शेर ने झट से उसको झपटा मारा और उसे खा लिया और अपनी लंबी भूख मिटाई। अब शेर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि लोगों को कैसे बेवकूफ बनाए और कैसे अपनी भूख मिटाए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच के चक्कर में हम कभी भी मुसीबत में फंस सकते हैं और हमारी जान भी जा सकती है।